हेलो, माय नेम इज़ जिया और मुझे रोजेशिया की प्रॉब्लम है लास्ट 2 इयर्स से। मैंने दिल्ली में काफ़ी अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया बट मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी किस बहुत सारे टाइप की क्रीम्स वगैरह, जेल वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई किए, टैबलेट्स, सारी चीज़ें, पूरा मेडिसिन मैंने लिया और मुझे उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं समझ में आया। और मैंने लेज़र भी करवाया, डॉक्टर ने मुझे IPL के लिए सजेस्ट किया कि IPL के बाद ब्लड वेसल्स में काफ़ी फ़र्क आता है, पर मैंने लेज़र करा के भी देखा पर मुझे कोई भी फ़र्क उतना नहीं समझ में आया। मेरी गाल बहुत ज़्यादा रेड और ईची और मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ड्राई लगती थी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता था। इसके बाद मैंने नेट में काफ़ी कुछ सर्च किया कि रोजेशिया का परमानेंट इलाज क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कैसे इससे ठीक हो सकते हैं। तो मोस्टली हर जगह नॉर्मल डॉक्टरोलॉजिस्ट यही बोलते थे कि नहीं, मतलब इसका कोई ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको ये लाइफ टाइम रहेगा, या तो फिर आप कुछ खाओगे या धूप में जाओगे या कुछ भी तो फिर वो गाल रेड होंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि सडनली मतलब रेडनेस चली जाए या होना बंद हो जाए। फिर इसके बाद काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे दिव्या आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर के बारे में पता चला। फिर मैंने इनसे बात की, फिर मैंने व्हाट्सएप पे बात की, तो पहले मैंने कॉलिंग पे बात की, फिर मैंने व्हाट्सएप पे बात की, तो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे पूरा भेजा कि किस रीज़न से होता है और हम लोग इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर मुझे वो देख के समझ में आया कि मतलब इनको काफ़ी नॉलेज है इस बारे में। तो फिर मैं पंजाब गई, पंजाब में जाके मैंने अमृतसर में जाके इनसे कंसल्ट किया सर से, फिर इन्होंने मुझे मेडिसिंस दी। और आज सपोज़ मुझे 4th मंथ कंप्लीट होने जा रहे हैं, मेरी स्किन में वो ड्राइनेस और रेडनेस भी काफ़ी हद तक मेरे 80% चली गई है। मुझे बहुत कम ही रेडनेस होती है अब, जो मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है मेरे फेस में, मैंने क्या अप्लाई किया है, कुछ भी अप्लाई करती थी तो कुछ सूट नहीं होता था। पर सर ने जो मुझे दवाइयाँ दी, मेडिसिंस दी, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उससे। मेरे गाल मतलब बहुत ज़्यादा जो मुझे जलन होती थी, अजीब फील होता था, बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, तो वो बहुत सारी चीज़ें सही हो गई हैं। और मुझे अभी 4 मंथ हो चुके हैं मेडिसिंस लेते और मतलब मुझे 80% मैं प्रॉपर ठीक हो गई हूँ, आप देख सकते हैं खुद। और थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों को रोजेशिया है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप दिव्या आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे जाएं और आप 100% रिजल्ट मिलेगा। और मुझे अभी 4 मंथ ही हुए हैं मेडिसिंस लेते, अभी मैं थोड़ा टाइम और इसको कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद देन मैंने रिव्यू ही देखा था सर का, एक वीडियो देखी थी एक मैम की, उसकी वीडियो देखकर मैं वहाँ पर गई। और फिर साथ में मैं जब गई तो मैंने देखा खुद, मुझे खुद में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मैंने इतने सारे डॉक्टर को चेक कराया था, उसके बाद भी मतलब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी मैं। लेकिन अब जब से मैंने वहाँ पर देख पाया है तो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो ड्राइनेस होती थी वो ड्राइनेस बिल्कुल चली गई है, ड्राई मेरा फेस बिल्कुल भी नहीं रहता है अब। इसके अलावा जो मुझे जलन होती थी वो जलन भी 100% सही हो गई है, जलन मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है अब, बस थोड़ी रेडनेस का ही है, लेकिन रेडनेस भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। अभी मुझे रेडनेस भी नहीं होती है वैसे, पहले मैं कुछ भी खाती थी, कुछ भी करती थी, सडनली मेरे गाल रेड हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत कम ऐसा होता है कि रेडनेस होती है, अब मैं बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। 80% मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, बहुत अच्छा, और उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको रोजेशिया की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इनके पास जाइए और कंसल्ट करिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और थैंक यू सो मच, नमस्ते।